हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी सेलिंग फ़ैन के ऊपर ही है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि वो हमारा 35 वाट का सीलिंग फ़ैन था, डीसी फ़ैन, एसी से वो डीसी, इसमें एक सर्किट लगी हुई थी उसी से चलता था। दोस्तों, ये हमारा जो सेलिंग फ़ैन है वो पॉलीकैप कंपनी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो ये दोस्तों वो जैसे आप लोग सीलिंग फ़ैन देखे होंगे, उसको चालू करने के लिए आपको स्विच बोर्ड तक जाना पड़ता है, लेकिन इसको चालू करने के लिए आपको स्विच बोर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिमोट वाला सीलिंग फ़ैन है। इस पर देखिए रिमोट छपा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये किस प्रकार से ऑपरेट होगा मैं आप लोगों को चलाकर भी दिखाऊंगा, और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा पैकिंग कुछ इस प्रकार से की हुई है। इससे हम ऐसे खोलेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक हमारा सबसे पहले रॉड मिल जाता है, आप देख सकते हैं, जो कि आधा फुट है करीब। उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, इसका कुप्पा जो लगा रहता है एक निकला, उसके बाद एक और इधर भी है, देख सकते हैं छोटा वाला है। उसके बाद इसका फ़ैन हम देखेंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो देख सकते हैं इसके फ़ैन की हम अनबॉक्सिंग करेंगे ऐसे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एटम्बर कंपनी का सेलिंग फ़ैन था वो 28 वाट का था और ये हमारा 32 वाट का, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें एक सर्किट लगी हुई है, इसी से हमारा एसी टू डीसी करंट ये सप्लाई करता है, और ये काफ़ी वजन भी है दोस्तों, वो वाला उतना वजन नहीं था। और इसके अंदर एक रिमोट हमको मिल जाता है, देख सकते हैं ये रिमोट हमारा है। तो दोस्तों, चलिए इसकी हम फिटिंग करते हैं और आप लोगों को इसे चला करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये सीलिंग फ़ैन भी 28 वाट पर ही वर्क करता है, लेकिन जब इसको हम बूस्ट मोड करेंगे तो ये 32 वाट का बन जाएगा। और दोस्तों, प्राइस की बात करें तो मुझे ये 2199 रुपये में रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसकी फ़िटिंग करते हैं और इसे हम आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने सीलिंग फ़ैन को फिट कर दिया है और उसका ये रिमोट आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों में लिया है, और इसमें नंबरिंग दी हुई है 1 से 6 तक इसकी स्पीड है। 6 के बाद यहाँ पर बीच में देख सकते हैं हमारा बूस्ट मोड है, इस पर जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो सीलिंग फ़ैन एकदम फुल स्पीड में चलने लगेगा। तो चलिए हम इसे ऑन करते हैं। पहले ये देख सकते हैं रेड कलर का हमारा एक दिख रहा है बटन, इसे पहले हम प्रेस करेंगे, इसे एक आवाज़ आई बीप की, और उसके बाद देखिए हमारा सीलिंग फ़ैन स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। तो इसकी स्पीड हम कुछ बढ़ाएंगे दोस्तों, एक नंबर पहले करेंगे हम, उसके बाद दो, देख सकते हैं स्पीड बढ़ती जा रही है। उसके बाद फिर से एक बार और प्रेस करेंगे, 3 नंबर, फिर प्रेस किया 4 नंबर पे हो गया, 5, देखिए स्पीड एकदम बढ़ती जा रही है, 6, देखिए स्पीड हमारी फुल हो रही है। अब बूस्ट मोड करेंगे हम, तब देख सकते हैं हमारा जो सीलिंग फ़ैन एकदम फुल स्पीड में चलने लगा दोस्तों, एकदम फुल स्पीड में चल रहा है। जो हमारा एटम्बर्ग सीलिंग फ़ैन था उससे कुछ ज़्यादा स्पीड इसकी दिख रही है और एकदम फुल हवा आ रही है। ये इन्वर्टर के लिए दोस्तों एकदम बेस्ट सीलिंग फ़ैन है। हमारा इको मोड है, इसको करेंगे तो इको मोड पर आ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से बूस्ट मोड हम करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा सीलिंग फ़ैन एकदम फुल स्पीड में चल रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा 1H, 2H और 4H, 6H, 8H या H जो लिखा हुआ है इस पर, ये हमारा हावर्स का सिंबल है। इस पर जैसे हम एक नंबर पे सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा एक घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, यानी जितने घंटा आपको चलाना उतना घंटा वाला ये जो हमारा बटन है इसे प्रेस कर देंगे तो उतने घंटे चलने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और आपके इन्वर्टर की जो चार्जिंग है वो बची रहेगी, जितना घंटा आप चलाएंगे उतना ही चलेगा। यानी इन्वर्टर के लिए एकदम बेस्ट सीलिंग फ़ैन है दोस्तों। तो चलिए हम इसे ऑफ़ करके देखते हैं हमारा सीलिंग फ़ैन बंद होता है कि नहीं बंद होता है। देखिए एक बार मैंने इसे प्रेस कर दिया है, अभी देखिए थोड़ी टाइम बाद ये बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी स्पीड कम हो गई एकदम।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी ये सीलिंग फैन की। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।